सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता नहीं मेरा पॉकेट एंड इतना लैग क्यों करता है। सो गाइस, मुझे थोड़े से टिप्स दीजिए इसे मैं लैग करने से कैसे रोकूं। पर आज हम लैग के लिए नहीं है, मोनार्क बटरफ्लाई के लिए। मैंने बहुत दिनों से अपलोड नहीं किया, मुझे पता है। तो गाइस अभी थोड़े एक और ढूंढते हैं। तो गाइस आज मोनार्क बटरफ्लाई के लिए जगह देख रहा हूँ। जगह है रुक जाओ, पता नहीं इतना लैग क्यों कर रहा है आज। डेड बॉडीज की वजह से हो सकता है। उफ, इतना लैग। तो गाइस मुझे नहीं पता ये कौन कहाँ पे होगा, किसको पता होता है। हो रहा। तो गाइस अभी इस टेरेंचुला को अभी हम फार्म कर लेते हैं। फिर कितना ज्यादा लैग। तो गाइस मैं अगली वीडियो 2 स्टार के लिए बनाऊंगा। पता नहीं आज इतना लैग क्यों रहा है। विनेगर उनकी वजह से नहीं है, कल जब मैंने लॉग इन किया तब भी ऐसा ही था। कुछ ज्यादा ही पिक्सल्स हैं क्या। एक्चुअली ये तो कुछ ज़्यादा ही पिक्सेलेटेड गेम है, हाई ग्राफिक्स उतने नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से लैग हो रहा है। ओहो, मैं सोच रहा मेरा क्या होगा जब मैं ये फीचर समन करूँगा। मेरी बहुत बुरी हालत चल रही है क्योंकि गेम इतना स्लो अगर चलेगा तो खेलेंगे कैसे। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। स्मूथ हो रहा है ये क्रीचर बॉडी पार्ट्स की वजह से। तो सब ले जाओ, चलो लैग तो कम हुआ। अब ये लास्ट वाला करते हैं।
ये इतना जब भाग भाग के आते तब तो लैग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, शक हो रहा था मुझे। इन्होंने पहले तो बहुत ही ज़्यादा लेट ये ईस्टर इवेंट रिलीज़ किया, और उसके और भी ज़्यादा लेट मोनार्क बटरफ्लाई किया। चलो दो और कितने मेरे पास? बहुत है। चलो ये मिल गया। मैं ईस्टर इवेंट पे ईस्टर एग्स इसकी वजह से नहीं कलेक्ट कर पा रहा था, इतना स्लो। और तो वो अभी भी आ रहे हैं इसलिए इतना लैग है। रुक जा, मेरे पास एक आइडिया स्पीड एक्सेलरेट करने का। वन फोर्टी सेवन पर वर्कर्स मैक्सिमम, और तीन अभी भी उधर है। बस 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 हो गया, सब अब अपने बिल के अंदर जाओ। सभी से अनुरोध है कि सब अपने बिल के अंदर जाइए ताकि मुझे ये लैग ना झेलना पड़े। स्किन ऑफ करके देखो, और भी ज्यादा लैग हो गया। गाइस अभी हम एक्चुअली मैं स्क्रीन देखते देखते तो बूढ़ा गया मैं। इतना ज्यादा स्लो, पता नहीं कल मैं कैसे गैदर कर रहा था। गाइस मैं सोचा कोई और गेम खेलूँ इसके अलावा, क्योंकि इसका फ्रेम रेट बिल्कुल सही नहीं है। मतलब मैं खेलूँगा जब इवेंट्स आएंगे, पर तभी खेलूँगा। और हियर वी गो, इतने तो मैं गाना भी गा लूंगा। सिर्फ सुबह होते होते
द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। इसकी दो आंखें भी है गाइस। डिड वी क्रैश। हेलो, मुझे लगा क्रैश हो गया। ओह, कलर तो सुंदर है। रुक जाओ, पहले मैं ये फायर एंड्स को ठिकाने लगा देता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा लैग क्रिएट कर लिया। विनेगर रूम को मारने में टाइम लगेगा। मुझसे दूर। उफ़ो, क्या क्या हो रहा है। थोड़ी देर के लिए लैग कम हुआ, पता नहीं क्यों। डिफेंड कर लूँ क्या? आई गेस आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये तो और भी ज्यादा लाग है। रात हो गई। रात हो गई और मेरे पास सिर्फ 3 बचे। वाओ, कितना सुंदर है देखने में। किसी को नहीं पता होगा कि ये जो गोल्डन और इवेंट फीचर्स हैं, ये जब हमारे मेन मैप पे होते हैं तब ये अपने एक्चुअल स्टैट्स को यूज नहीं करते। तो ये एक नॉर्मल बटरफ्लाई के हेल्थ जितने ही अभी डैमेज हो रहा है, पर जब बैटल में जाओगे तब स्टैट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि वो क्रीचर लैब भी एंड मोमेंट पे ही हुआ। लेट्स गो। चलो मीन वेल ये गैदरिंग कर लेते हैं। गाइस मुझे थोड़ी सी टिप्स दो, मैं ये लैग कैसे डिक्रीज करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैं क्वेस्ट्स। मैं जाने से पहले हमेशा ये ऑन कर देता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है मैं इस लैग की वजह से फास्टर हूँ। पर कभी कभी ये भी लगता है ये इरिटेटिंग है। मैंने एक और देख लिया।
ये देखो कितना विदाउट लैग हो मैं, ये सब उनकी वजह से ही होता है। इतनी सारी चींटियां, अगर जूम इन फीचर होता मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ डीलक्स करने के लिए। यस बटरफ्लाई स्कैम हो गया क्या? नहीं ऊपर ही, हाँ इधर ही। मैं सोच रहा हूँ ये नीचे वाला डब्बा कब फिल होगा, इतने सारे। अभी के लिए तो सिर्फ ऑर्किड मैंटिस है, मेरे पास घोस्ट मैंटिस नहीं है वरना मैं शो करता। सब सेम जगह पे आते हैं, क्रिसमस के साइड में घोस्ट आते हैं। चलो यस सो गाइस रुक जा, डिड वी क्रैश? गाइस डिड वी क्रैश? ये गेम उतना क्रैश नहीं होता तो मुझे नहीं पता। कैंसिल, सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में तब बनाऊंगा जब मैं ये 2 स्टार करने जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।